नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात बख़ैर होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंसान जब पाखाना और पेशाब करने के लिए जाता है तो कुछ लोगों की आदत ये होती है कि वो टॉयलेट में बार बार थूकते हैं। तो टॉयलेट में बार बार थूकना ये शरीयत की नज़र में कैसा है, क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, और अगर कोई थूकता है तो उस पर क्या मुसीबतें या क्या परेशानियां आती हैं। इंशाअल्लाह तबारक व ताला किताबो सुन्नत के हवाले में ये बातें आपके सामने रखी जाएंगी। आप तमामी हजरात जानते हैं कि इंसान का जो थूक है, इंसान का जो लुआब है, ये पाक होता है। और बाथरूम यानी जहाँ के पाखा जहाँ पर पाखाना ये पेशाब किया जाता है, ये नापाक जगह है। अब जाहिर सी बात है, पाक चीज़ को नापाक चीज़ में मिलाना, ये ख़ुद ही अगर आप दिमाग लगाएं तो ये मायूब और बुरा आप महसूस करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ जो है शरीयत को नापसंद है, मकरूह तनज़ीही है, ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए। और शरीयत इस्लामिया जो है इस चीज़ को नापसंद करती है। हालांकि ऐसा किसी भी बात में किसी भी जगह पर मौजूद नहीं है, ना तो कुरान में मौजूद है ना ही हदीस में मौजूद है कि टॉयलेट में थूकने से कोई बीमारी होती है या इसी तरीके से कोई परेशानी लाहिक होती है या हराम काम है या नाजायज़ काम है, ऐसा कहीं पर मौजूद नहीं है। हाँ, बाज़ बुज़ुर्गान दीन ने यह फरमाया है कि टॉयलेट में थूकने से निसियान की बीमारी होती है। ये बात वो अपने तजर्बे की बिना पर कहते हैं कि कोई आ करके उनसे बताया कि मेरे दिमाग में इस तरह का खलल है या मेरा दिमाग कम काम करता है या इस तरह की बातें अगर बताई तो बुज़ुर्ग ने उनसे पूछा कि तुम्हारी क्या आदत है जो लोगों के बरखिलाफ़ है, लोग ऐसा नहीं करते हैं लेकिन तुम करते हो। तो बहुत से लोगों ने इस तरह से बताया कि हम जब टॉयलेट में जाते हैं तो वहाँ पर थूकते रहते हैं। तो बुज़ुर्गों ने इस तरीके से अपने तजर्बे के मुताबिक बताया कि टॉयलेट में थूकने से, पाखाना पेशाब करने की जगह पर थूकने से ये बीमारी होती है, लिहाजा हम सब को भी बचना चाहिए। लेकिन शरीयत की नज़र में ये सिर्फ़ और सिर्फ मकरूह तनज़ीह है, नाजायज़ हराम और गुनाह का काम नहीं है। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर कर दें।